मुझे सच्चे दिल से प्यार करते थे। क्या तुमने मेरे से निकाह, तुमने निकाह की अहमियत ही नहीं समझी है। निकाह की अहमियत क्या है और तुम समझ भी नहीं पाओगे। सायरा कासिम सत्तानी जी, तो मैं आपसे प्यार करता था। देखो प्यार वो चीज है, बताया नहीं जाता, जताया नहीं जाता, प्यार महसूस करने की चीज है। और वो आप जानते हो कि मैं आपसे कितना प्यार करता था। और उसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि आपने मेरे को किस किस जगह पे मारा है वो बताता हूं। आपने मेरे को कुलसुम नायक के घर पे 2 बार मारा। मैंने उसको ऐसा समझा कि जानते मेरी बीवी है, मेरे से बहुत मोहब्बत करती है और ये मेरा प्यार ही था कि मैं आपकी मार खाके भी आपके पीछे घूमता था। और जो जो लेडी का मैंने कल जिक्र किया, गोराई में रहती है और वो जो काम करती है, उसके घर पे भी आपने मुझे अंदाजन 3 से 4 बार मारा, फिर भी मैं आपकी मोहब्बत में, सायरा कासिम सत्तानी जी, मैं आपसे मोहब्बत करता था। तो मैं वो ऐसा सोचता था, जान दे अपनी बीवी है, अपने उससे इतना प्यार करते हैं, उसका हक है मानने दे, ठीक है। दूसरी बात, जब आप रात में सोए होते थे और आपकी ऐसी आह निकलती थी, आह, तो मैं कितना थका होता था तो भी उठ के मैं तुरंत आपको, क्या हुआ गोरी, क्या हुआ गोरी, बोल के मेरा मुंह सुखाता नहीं था। और प्यार क्या है मालूम है आपको? प्यार, प्यार एक रूह है, रूह जो इंसान के दिल में बसती है। और आप जो बोलते हैं ना, मैं सच्चे दिल से प्यार करती हूं, तो जिस दिन मैं 15 दिसंबर को मुंबई से भाग के आया, उसके बाद मैं हॉस्पिटल था, मालूम है आपको? आपको कहां से मालूम होगा? प्यार करने वाला आ निकलती है ना, आ निकलती है ना, वहां जान देता है, उसको प्यार करने वाला बोलते हैं। जो प्यार करता है ना सायरा कासिम सत्तानी जी, तो अपने हम सफर की आह निकलती है ना, आह, तो वो उसकी जान बिछा देता है ऐसा। तो मैं तो इतना बीमार था, और जब मैंने बताया आपके बच्चे को कि मैं हॉस्पिटल में हूं, ये, तो आपका बच्चा बोला झूठ बोलते हो। खैर देखो, मैं कितना भी अच्छा बन जाऊं, आप मुझे झूठा ही बोलोगे। और वो जो बात है कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हो और करती थी, करती हूं, करती रहूंगी, तो मैं बताता हूं, जब 25 दिसंबर का जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ ना, मेरी जान पे बनाई थी, मालूम है ना, मैंने आपको 100 कॉल किया, आपने 1 कॉल का जवाब नहीं दिया। आपके छोकरे ने, लड़के ने 2 वॉइस मैसेज भेजे, तुम्हारी मैटर है, तुम ही निपटो, इधर फोन नहीं करने का।